नमस्ते, विक्रांत रंजन सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉक शो। साल 1993 में हुए मुंबई सीरियल बम धमाके के दोषी यूसुफ मेमन की शुक्रवार को महाराष्ट्र की नासिक रोड जेल में मौत हो गई। इस मामले के मुख्य आरोपी टाइगर मेमन का भाई यूसुफ उम्र कैद की सजा काट रहा था। उस पर सीरियल धमाकों की साजिश में शामिल होने का आरोप था। उसकी मौत की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। यूसुफ मेमन को साल 2007 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। पहले वह मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद था। साल 2018 में उसे नासिक जेल में भेज दिया गया था। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि साल 1993 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के एक के बाद एक हुए 12 बम धमाकों से कांप उठी थी। 12 मार्च को 2 घंटे और 10 मिनट के अंदर हुए इन 12 बम धमाकों की चपेट में आकर करीब 317 लोग मारे गए थे। इस धमाके में अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का नाम भी आया था। इसी घटना के बाद दाऊद भारत छोड़कर भाग गया था। इस सीरियल धमाके में टाइगर मेमन को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ विस्फोटक की साजिश का मास्टरमाइंड बताया गया था। वहीं यूसुफ पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए मुंबई में अल हुसैनी इमारत में अपने फ्लैट और गैराज को अनुमति देने का आरोप लगाया था। वहीं इसी मामले में गिरफ्तार किए गए यूसुफ के एक और भाई याकूब मेमन को साल 2015 में फांसी दे दी गई थी। एक विशेष टाड़ा अदालत ने यूसुफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आज के दी ललन टॉक शो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दी ललन टॉक शो को लाइक कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी ललन टॉक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के दी ललन टॉक शो में इतना ही। धन्यवाद।